सर, ये जो फेस टू में बायोडायवर्सिटी जो झील बनाई गई है सर, इसमें काफी गंदगी है, लोगों का आना जाना है। ये बनाई तो गई थी साइबेरियन पक्षी वगैरह के आने के लिए, इलाके की सुंदरता बढ़ाने के लिए, लेकिन अब यहाँ पे काफी गंद है, लोग मल मूत्र का भी यहाँ पर निकालते हैं अपना। ये देखिए, मैं सबसे पहले मैं बता दूं कि यमुना बायोडायवर्सिटी पार्क फेज टू में 100 एकर्स का जो हमने वेटलैंड बनाया, ये पूरे यमुना फ्लड प्लेन में अपनी तरह का इकलौता वेटलैंड है जो मैन मेड है। उसमें हमारा ऑब्जेक्टिव है कि जो बाढ़ का पानी कितना अधिक उसमें जमा हो। अब आपने अभी अगर गौर से देखा होगा, इसको ऑफशोर रिजर्वायर कहते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव है कि जब बाढ़ का पानी बाढ़ के दिनों में जमा हो जाता है, जो गर्मी के दिनों में नदी के कमते पानी को बढ़ाता है, अंदर अंदर से जाके उसमें पानी देता है, इसकी वजह से पानी कम होने लगता है। जब पानी का स्तर कम होता है तो जो पौधे उसके अंदर हैं, जैसे वेलिसनेरिया, हाइड्रिला, पोटोमेजिटोन, बहुत सारे पौधे हैं, इवन कमल भी हैं, आप देखिए कमल भी हैं, तो वो जब हो जाते हैं तो सरफेस पे, सिर्फ पानी के सरफेस पे वेजिटेशन अभी दिख रहे हैं, सिर्फ वनस्पतियां दिख रही हैं, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि गंदा लग रहा है, लेकिन वो गंदगी नहीं, वो जिंदगी है। अगर उस पानी से उन पौधों को हटा दें तो पानी मृत प्राय कहलाता है, वो मच्छरों का घर होगा अगर वो पौधे हट जाएंगे तो। वो पौधे इसलिए हैं कि जिसके ऊपर ड्रैगन फ्लाई ब्रीड करती है और मॉस्किटो के लार्वी को खाने वाले निम्फ को पैदा करती है, इसलिए वहाँ मॉस्किटो आपको नजर नहीं आएंगे। तो वो सुंदरता है, बीमारी नहीं है। जहाँ तक और भी आपने जो बातें कही है